ये सब करूं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मैंने किंग डे वाले दिन क्या क्या बाय किया, तो जी चलें आपको बताते हैं। मैंने अंडा उबालने वाली मशीन बाय की थी, और ये मैंने तुर्कियों से बाय की थी। तकरीबन बिल्कुल नई थी, न्यू थी, उनके पास डिब्बा नहीं था। और ये देखें जी, सीन है जी कुछ इस तरह का। उन्होंने बोला कि सिर्फ हमने एक दफ़ा यूज़ किया और इसको दोबारा फिर पैक करके रख दिया, और किंग डे वाले के दिन का इंतज़ार किया कि उस दिन हम लोग इसको बेच देंगे। तो ये देखें जी, 8 अंडे पड़ते हैं और ऊपर भी हम लोग इसके ऊपर भी अंडे रख सकते हैं। फिर मैंने उनको बोला कि आप मुझे आन करके दिखाएं, तो उन्होंने मुझे आन करके भी दिखाई। साथ ही उनका घर था, और यहाँ पर ये देखें जी, मैं पानी डाल रही हूँ, अंडा उबालने अंडे उबालने की कोशिश कर रही हूँ। तो होता क्या है मेरे साथ, ये मशीन जो है ना, लग रहा था मुझे, बल्कि लग रहा है कि मुझे ऐसे ही बस आन नहीं होगी, और स्पार्कल स्पार्कल ऐसे ही कर रही है लाइट इसकी, तो मैं परेशान हो गई थी। ओए होए, मेरे पैसे तो ज़ाया हो गए, अब क्या करूं। फिर सोचा कि फिर दोबारा से इसको ऑन करती हूं, या फिर अंडे रखूंगी तो फिर जो स्पार्कल की जो लाइट है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद कोई असर नहीं। तो काफ़ी सोचने के बाद फिर मैंने इसको मुकम्मल तौर पे जो है ना बंद किया, फिर से ऑन किया, तो ये देखिए जी फिर स्पार्कल स्पार्कल कर रही है। तो मैं परेशान हो गई थी, ओहो मेरे साथ तो क्या हो गया, प्रैंक हो गया या। अब ये देखें जी, फिर मैंने इसको दोबारा से ऑफ करके ये ऑन किया, तो ये स्पार्कल की जो लाइट है वो ख़त्म हो गई और पानी भी गर्म होना शुरू हो गया। तो दिल को तसल्ली हुई कि मेरे साथ धोखा नहीं हुआ, ये तो मशीन चलती है। सम टाइम लोग ऐसे ही करते हैं, ख़राब चीज़ दे देते हैं, लेकिन तुर्की थे, मुझे उन पर ट्रस्ट था कि ये लोग जो है ना झूठ नहीं बोलते। लेकिन देखते हैं, आप यहाँ पे रखते हैं जी अंडे, और इसको करते हैं बंद। और अंडे रखने के बाद जो मैंने टाइम लगाया था उससे पहले ही मशीन बोल पड़ी कि अंडे उबल गए हैं, अंडे उबल गए हैं। जैसे ही हम इसको ऑफ करते हैं तो ये स्पार्कल करना शुरू हो जाती है, और जब मैंने इंटरनेट पे इसकी प्राइस देखी तो यहाँ पे 45 यूरो की इसकी प्राइस थी। तो सोचा कि चलो जो चीज़ बाय की है और अच्छी की है, और देखते हैं जी अब अंडे जो है ना वो कैसे उबले हैं। तो अंडे जो है ना हाफ बॉयल हुए थे, बहुत ही मज़े के बॉयल हुए थे। तो जी इसके बाद इसको रखूँगी ठंडे पानी में और फिर फ़ौरन ही निकाल लूँगी। जब भी अंडे उबालें साथ ही फ़ौरन ही आप ठंडे पानी में रख दें तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो छिलके ना उसके उतरना शुरू हो जाएंगे। तो जी ये देखें, बहुत ही मज़े के गरम गरम हाफ बॉयल अंडा जो है ना वो आपके सामने हाजिर है। उसके ऊपर मैंने डाली है काली मिर्चें और डाला है नमक। और अब आपको मैं बताती हूँ कि ये मेरी मशीन कितने की ली है। तो ये मेरे मशीन 3 यूरो की ली है, और 2 अंडे उबाले हैं 1.5 यूरो के, तो मेरे हो गए पैसे पूरे। तो क्या ख्याल है आपका, कॉमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जी ये मैंने टैबलेट्स ली थी बर्तन धोने वाली मशीन के अंदर, ये पूरे 3 ला थे। मसलन एक पैकेट में 5-5 ये डब्बे पड़े हुए थे, तो मैंने 5, 10, 15 और 4 मुझे एक्स्ट्रा दिए, और ये मैंने लिए 6.5 यूरो की। और ये एक पैकेट जो है ना वो मुझे 50 सेंट का उन्होंने दिया। और वैसे जब हल्बर्टाइन में ख़रीदने के लिए बाय करने के लिए जाएं तो 4.25 यूरो की इसकी प्राइस है, और ये जो है क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है। तो मैंने कहा ये मैंने पूरे का पूरा ही जो है ना वो कितने बाय किए हैं ये आपने कमेंट्स करके मुझे बताना है, मैंने ले लिए थे। और तकरीबन साल की झंझट ही ख़त्म हो गई। और इसके बाद फिर मेरी बेटी ने ये रैक लिए, और ये रैक 3 लिए 2 यूरो के। और देखें
कहाँ पे मैं लगाती हूँ, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे या आने वाले व्लॉग में आप देखेंगे कि ये कहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ। और इसके बाद मेरी बेटी ने 1 यूरो का बिल्कुल न्यू ब्रांड बैग लिया था, और ये बैग है, इसका स्टिकर हम लोगों ने उसी दिन ही उतार दिया था, और उसी दिन ही मेरी प्रिंसेस ने यूज़ कर लिया था। और ये देखें जी, थोड़ा सा जो है अभी गीला है, और उसके बाद इसमें वो फ़ोन भी डालती है, और सम टाइम सिक्के भी डालती है जब वो स्कूल जाए, उसको ज़रूरत पड़ते हैं सम टाइम। और जी मेरे घर आए हैं मेहमान, फैमिली फ्रेंड आए हैं मेरे हस्बैंड के, और मैंने ये बनाया है उनके लिए खाना। कस्टर्ड था, मैंगो कस्टर्ड, बहुत ही मज़े का है। यहाँ पे कभी गर्मी हो जाती है और कभी सर्दी हो जाती है, और तकरीबन अब तो गर्मी जो है ना वो बिल्कुल आने को रेडी है, लेकिन हम लोग लेते हैं जी वाटरलैंड में, नीदरलैंड को वाटरलैंड बोलते हैं। तो चलें जी नेक्स्ट दिन का व्लॉग शुरू करते हैं। और यहाँ पे ये देखें जी, बच्चों को बाहर लेके गई थी, 15 दिन की यहाँ पे छुट्टियाँ हुई हुई हैं, और बच्चों को मैंने लेके दिया जी तुर्क्स पिज़्ज़ा, और मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं जो है वो कल वाला खाना जो है ना दोपहर को लंच करके आई थी। और इसके बाद ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत सीन है, बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं रेत पे, और मैं यहाँ पे बैठी धूप को सेक रही हूँ। बच्चों ने खूब खेला है, और आसमान देखें बिल्कुल नीला नीला है, और बादल हैं, सम टाइम बादल आ जाते थे और सम टाइम सूरज निकल आता था, बहुत ही अच्छा लगता था। बड़े मज़े की गर्म गर्म धूप थी, और यहाँ पे देखें जी बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे मैंने उनको रोका नहीं है। और यहाँ पे ये स्पेशल बच्चों के खेलने की जगह है, उन्होंने रेत का एरिया बनाया हुआ है, और यहाँ पानी भी साथ उन्होंने लगाया हुआ है। और यहाँ के लोग स्पेशल इस एरिया में रेत के साथ बच्चों को खेलने के लिए लेके आते हैं, और बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, जैसे कि मेरे बच्चों को बहुत ही मज़ा आ रहा था। फिर घर जाके मैंने बच्चों को नहलाया, क्योंकि रेत हुए हुए थे बच्चे, तो बच्चों को भी आप ऐसे मिट्टी के साथ रेत के साथ खेलने दिया करें। हम भी ऐसे ही खेल खेल के बड़े हुए हैं, तो क्या ख्याल है आपका, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का बेताबी के साथ इंतज़ार होता है। तो आप भी इंजॉय करें कि बच्चे कैसे खेल रहे हैं, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं। और यहाँ पे जो मेरे बेटे ने रेत का ढक्का लगाया हुआ था कि पानी जो है वो नहीं निकले, लेकिन बंद जो है ना वो खुल गया है, और पानी जो है ना वो पूरे रेत में आ चुका है, और बच्चे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और ये देखें जी, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे, और देखें कितना खूबसूरत सूरज निकल चुका है। तो जी फिर हम लोगों ने मसूर की दाल और उबले चावल भी बनाए थे, सादा चार था, शामी कबाब हमारे जो फैमिली फ्रेंड उनको बहुत ही पसंद थे, आप कह सकते हैं कि बच्चों के चाचू आए थे, तो वो मैंने वीडियो बनाई नहीं। और इसके बाद ये तीसरे दिन की वीडियो मैंने बनाई है, तो बिरयानी बना रही थी और साथ है शामी कबाब और आलू, आपको पता है मैं उबाल के डालती हूँ, इससे ज़्यादा विटामिन अच्छे होते हैं, और आलू बहुत ही मज़े के होते हैं। और 5 घंटे हो गए थे चावलों को ऐसे भिगोए हुए, मैंने गर्म पानी में धो धा के भिगो दिए थे, और इससे चावल बहुत ही मज़े के और निखर के बनते हैं। और सीन है जी कुछ इस तरह का, रायता मैंने साथ बनाया, पुदीने की चटनी, सलाद और शामी कबाब। और ये खाना किस किस को पसंद है, और ये देखें जी बहुत ही मज़े की निखर के यहाँ पे बनी है बिरयानी, बिरयानी के देखें चावल एक एक दाना निखरा हुआ है। तो जी बच्चों के चाचू भी बहुत ही खुश थे, और बच्चों के चाचू भी बहुत ही खुशी दिली के साथ आए थे, और बहुत ही अच्छा लगा। और जब दिल साफ़ हो, नीयत साफ़ हो ना, तो प्यार मोहब्बत बढ़ ही जाता है और अपनायत का एहसास होता है। तो यही है रिश्ते, अगर आपकी नीयत साफ़ होगी, आपका दिल साफ़ होगा, तो अगले बंदे की भी नीयत साफ़ हो, तो इन रिश्तों को जो है ना वो 4 चांद लग जाते हैं। तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिए ख्याल, फिर मिलूँगी नई उमंग के साथ, एक नए व्लॉग के साथ।
तब तक आपने मेरा साथ निभाना है, अपनी तरह प्यारे प्यारे से कमेंट्स करने। और अब बादाम जो है वो मैं कूट के डाल रही हूँ, हल्के से तवे पे फ्राई किए थे और बहुत ही मज़े की बनी है जी रस मलाई। मेरी तरफ से खुदा पमान, टाटा बाय बाय।